एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम विकास भवन के अंदर, जहां दिल्ली सरकार के आला अधिकारी यहां पर बैठते हैं और 28 अगस्त से लगातार यहां आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन चल रहा है दवा यूनियन के तत्वाधान में। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ में जो दवा यूनियन को चला रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि दिल्ली सरकार से उनकी क्या वार्तालाप हुई और क्या उनका आश्वासन दिया है। सर आपका नाम? रमेश शर्मा। बात है कि हमारा ये जो धरना, ये पहले भी एक हमारा जो धरना हुआ था, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, दिल्ली सरकार ने, कि हम आपकी ये तमाम चीज़ों को हम इन मांगों को आपकी मान लेंगे। लेकिन सवाल है कि उन्होंने उसको कोई भी लागू नहीं किया। अभी ये जो धरना हमारा चल रहा है 28 तारीख से, तो इसमें हमारी एक जो मुख्य मांग थी कि हमारा आप वेतन फिक्स कर दो, एक फिक्स दे दो, हमें इंसेंटिव नहीं, एक फिक्स रिन्यूमरेशन दे दो। तो अभी एक नेगोशिएशन हुई है सरकार के साथ, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको अभी आपका इंसेंटिव जो है वो डबल करते हैं, कोर इंसेंटिव जो है वो हम डबल करते हैं, और हम आपको टैबलेट सबको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कागज़ का काम और तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हम आपको दो ड्रेसेस देंगे, जिसको साड़ी जिसको सूट वो चाहिए वो लेंगे। तो ये अभी फिलहाल, और हमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस बजट में हमने जो किया है, हम नेक्स्ट बजट में प्रावधान करेंगे कि हम इस तरीके से ये आपकी डिमांड को हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन कि हम एक फिक्स सैलरी पर आपको ले जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने भी, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और लगातार इतना लंबा हमारा संघर्ष चला है, और ये एक सरकार ने कहा कि हम एक इंटरिम आपको राहत दे रहे हैं, इस इंटरिम राहत को आप स्वीकार कर लीजिए, और हमने ये इंटरिम राहत को अभी स्वीकार किया है। लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल का भी हमने अभी एक पड़ाव लिया है। अभी हमने इसको हड़ताल को, इसीलिए आज सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार आके वो अनाउंसमेंट करेंगे, वो आपके सामने है अभी। लेकिन जब 28 अगस्त से इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है, आपके दिल्ली सरकार से कई बार बातें हुई हैं, ये तो पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था, तो आज ही आप इस आश्वासन को क्यों मान रहे हैं? बात है, पहले आश्वासन था, अब ये यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट, एक लिखित में, एक वो आज हमें एक परिपत्र देंगे कि आपकी, हमारी जो दावा यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी है उसको एक परिपत्र देंगे वो अभी, कि हम ये आपकी हमने स्वीकार कर ली है और हम आगे आपकी मांगों पर विचार करेंगे।